मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला विकासखंड तामिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुत्तौर के झापू ढाना में पुल के टूटने से आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि इस गांव के लोगों का केवल एकमात्र दूध ही व्यवसाय है, जो कि रोजाना इन लोग अपने गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर दूध बेचने जाते हैं। और पुल के टूटने से इन लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी हमारे को पूरी, हमारे बाल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा है, सारी चीज की आपत्ति, जानवर इधर से इधर नहीं, इधर से इधर जानवर, घर में जानवर बंधे रह रहे हैं, नदी अरे कहाँ ना कहाँ चला, जैसे हमारे खेत यहाँ पे है, अब नदी आगे हमारे जानवर यहाँ खुला बंधे रख रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई घटना हुआ है यहाँ? इसमें एक भैंस बह गई अभी कल परसों, एक लेडीज बह गई है नकने में, और दो चार बच्चा बाछी बह गए और छोटे छोटे, और सबसे परेशानी हमारी स्कूल नहीं आ पा रहा है बच्चे लोग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला विकास खंड तामिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुत्तौर के ढाना का जो पुल टूटा हुआ था उसका निर्माण कार्य चालू हो चुका है, जिसके कारण लोगों पे काफ़ी प्रभाव और काफ़ी खुश नजरी दिखाई दे रहा है। भैया, ये काम कब से चालू है? 15-20 दिन पहले से है काम चालू। तो इस पुल का निर्माण हो रहा था, आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, और क्या बनना चाहिए, उससे और अच्छा बनना चाहिए, बेहतरीन बढ़िया ऊंचा बनना चाहिए। हाँ। अभी बहुत दिक्कत हो रही, रिप्टा बना लगेगा, बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा, और अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना, गाड़ी घोड़ा तब तो सड़ सड़ निकलेगी। तो ये पुल कंप्लीट कब तक हो जाएगा भैया? ये पुल कंप्लीट करने तक की हमारी डेट है 2015 तक। हाँ भैया, स्पीड से ही काम होगा और चल भी रहा है जी। हमको ये नवम्बर में हमको साइड मिला है, और पूरा यहाँ का जो होता है हमारे कंस्ट्रक्शन के तहत जी जी, तो ये हमको पूरा करने के लिए हमारे टाइम लिमिट में रहता है। जब हम टाइम लिमिट से वर्क नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर पेनाल्टियाँ लगती हैं। सभी कर्मचारी को ये बोलने चाहता हूँ मैं कि हमारे गांव की मतलब पुल का काम शुरू हो गया है ना, तो इसलिए मैं सभी को, पत्रकार है सभी भाई को मैं धन्यवाद देने को। मैं आप सभी इस वीडियो देखने वाले श्रोताओं से अपील करूंगा कि मिलजुल कर के ही काम करने से बड़े काम आसान से हो जाते हैं। और इस गांव का जो पुल टूटा हुआ था, इस पुल में ही गांव व समुदाय के लोगों की मदद से ही इस पुल का निर्माण हुआ है। और मैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले से परार समिति से राजू परतेती, इंडिया अनहर्ट के लिए।